तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होगी। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट वे टू स्टाइल योर हेयर, जिसमें आपके हेयर 0% डैमेज होंगे एंड 100% स्टाइल होंगे। एंड इसमें हम किसी भी एक्स्ट्रा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का यूज नहीं करने वाले। सिंपली हमारा हेयर ऑयल होगा जो कि एक नॉर्मल हेयर प्रोडक्ट में आता है, एंड उसी से हम अपने हेयर स्टाइल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टेप से। कभी भी हमारे हेयर स्टाइल करने से पहले जरूरी है उनका वॉश होना, उन पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ होना चाहिए पहले का, वरना आपके हेयर अच्छे से स्टाइल नहीं होंगे। अब वॉश आपको अपने हेयर शैम्पू से बिल्कुल भी नहीं करने। अगर आप शैम्पू से वॉश करोगे तो शैम्पू से वॉश करने के बाद क्या होता है, काफी ज्यादा देर तक हमारे हेयर में वॉल्यूम नहीं रहता, काफी टाइम लगता है, कुछ घंटे लगते हैं हमारे हेयर में नेचुरली वॉल्यूम आने में, तब जाके वो अच्छे से स्टाइल होते हैं। या तो आपको इंस्टेंटली हेयर ड्रायर या हेयर वैक्स का यूज करना पड़ता है अगर आपको अच्छा होल्ड अच्छा वॉल्यूम चाहिए आपके हेयर में। तो इसीलिए सबसे पहले हम हमारे हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेते हैं। तो यार, मैंने अपने हेयर वॉश कर लिया, एंड इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, टॉवल ड्राई। अब टॉवल ड्राई आपको जेंटली करना है, कुश्ती नहीं खेलनी है, बिल्कुल प्यार से अपने हेयर को टॉवल ड्राई करें ताकि जो एक्स्ट्रा हमारे हेयर पर वाटर है वो सारा का सारा चला जाए, ड्राई हो जाए हल्के से हमारे हेयर। तो अब मेरे हेयर टॉवल ड्राई भी हो चुके हैं, एंड अब ये रेडी है स्टाइल होने के लिए। स्टाइलिंग के लिए मैं यूज करूंगा अपना नॉर्मल कोकोनट ऑयल। आप जो ऑयल यूज करते हो आप वो यूज कर सकते हो, 2 से 3 ड्रॉप अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से, बट मैं कोकोनट ऑयल इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इससे और ऑयल जैसी ऑयलीनेस नहीं आती। एंड आपको यूज किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिए मैंने हल्का सा कोकोनट ऑयल, भाई सर्दियों के टाइम में तो ये जमा हुआ रहता है, तो इसे हेयर वैक्स की तरह रब करना पड़ेगा पहले अपने पाम पर। रब करने के बाद हेयर ऑयल मेरे हाथ पर है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने स्कैल्प पर हेयर ऑयल नहीं लगाना है। आपको ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो आप, तो आपको अपने हेयर पर लगाना है। स्कैल्प पर लगाओगे भाई तो हेयर में अच्छा वॉल्यूम नहीं आएगा, इसीलिए स्कैल्प पर हेयर ऑयल तभी लगाए जब आप हेयर ऑयलिंग के लिए हेयर ऑयल लगा रहे हो। बट अभी आप हेयर स्टाइलिंग के लिए हेयर ऑयल अपने हेयर पर लगा रहे हो, तो इसीलिए कम हेयर ऑयल का यूज़ करें, स्कैल्प पर उसे टच ना होने दें। देन उसके बाद आपको हेयर ऑयल अप्लाई करना है अपने सारे हेयर पर। देन हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद अगर आप कॉम्ब यूज़ करते हो अपने हेयर स्टाइलिंग के लिए तो आप कॉम्ब यूज़ कर ले, ब्रश यूज़ करते हो तो ब्रश कर ले। मैं बहुत सालों से फिंगर से ही अपने हेयर स्टाइल करता हूँ तो मैं फिंगर का यूज़ करने वालों, अच्छे से अपना हेयर स्टाइल बनाए, देन उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। तो मैं भी पहले हेयर स्टाइल बना लेता हूँ। तो अभी फिंगर से मैंने नॉर्मली अपने हेयर स्टाइल कर लिया, अभी शीशे के सामने देखूंगा भाई कैसा स्टाइल करा है। बट आपको जब भी आप अपने हेयर स्टाइल कर लो तो उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट बैठ जाना है एक जगह पर, हिलने कूदने मत भाग जाना क्योंकि अभी हमारे हेयर प्रॉपरली ड्राई नहीं है, उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा आप हल्का सा भी हिलोगे तो आपका सारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, वो बिखर जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा सूखने दो, उन्हें टाइम दे, फोन वोन चलाओ, मजे लो इतनी देर, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। तो पूरे 7 मिनट हो चुके हैं एंड हेयर ठीक ठीक सूख चुके हैं। तो सबसे पहले आप इनके क्लोज शॉट देख लो फाइनल रिजल्ट के, एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ खास बातें। तो ये है कुछ फाइनल रिजल्ट। तो जब आप थोड़ी देर वेट कर लोगे तो उसके बाद आपको अब हल्के से आपके हेयर वापस से रीस्टाइल करने हैं, एंड वो होगा आपका फाइनल रिजल्ट। आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है, आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है, बीच बीच में पूरे दिन में जब आपके हेयर वापस से ख़राब हो हल्के हल्के, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 24 घंटे एकदम पत्थर की तरह आपके हेयर रहेंगे, नहीं, हल्के हल्के ख़राब भी होंगे, तो बीच बीच में आपको रीस्टाइल करते रहना है आपके हेयर। बाकी ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है, मैंने पिछले 3 साल से या 4 साल से जब भी मैं इस चैनल पर यूट्यूब पर हूँ तो मैंने काफी बारी ऐसी चीजें आपको बताई है, एंड ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो बस गाइस, इतना था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।